नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे किया जाता है और इस प्रोसीजर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। कंसेप्शन से लेके पूरी प्रेगनेंसी से डिलीवरी के दिन तक एक औरत को एंग्जाइटी होती है कि डिलीवरी कैसे की जाएगी, वजाइनल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से अगर डिलीवरी करवानी पड़े तो भी एक बात बहुत याद बहुत इम्पोर्टेंट होती है और समझने वाली होती है कि बच्चे की सेहत और माँ की सेहत को ध्यान में रख के आपके डॉक्टर आपकी डिलीवरी का मोड चूज करेंगे। कुछ कारण होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। शॉर्ट स्ट्रेचर्ड विमेन, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन या फिर प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, ऐसी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ऐसी अलग अलग केसेस होती है जिसकी वजह से एक नॉर्मल डिलीवरी, एक वजाइनल डिलीवरी कई बार पॉसिबल नहीं होती। ऐसी केसेस में सीजेरियन सेक्शन करवाना इनएविटेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा देर तक लेबर पेन हो रहा हो और बच्चा नीचे नहीं आ रहा हो या फिर बच्चे ने पेट के ही अंदर मोशन पास कर दी गई हो, बच्चे की मूवमेंट्स कम हो गई हो, ये सारे बच्चे से रिलेटेड इमरजेंसी पॉइंटर्स होते हैं जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़े। कई बार सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी तौर पे करवाना पड़ता है, इसीलिए पेशेंट को, एक माँ को ज्यादा समय नहीं मिलता अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन वो होता है जिसमें एक प्लान के मुताबिक, एक प्लान प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद सिजेरियन सेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। इलेक्टिव सेक्शन के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन किया जा सकता है और एक माँ वेल प्रिपेयर होके हॉस्पिटल में एंटर कर सकती है। सिजेरियन सेक्शन किसी भी प्रकार का हो, इस सर्जरी के लिए, इस प्रोसीजर के लिए स्पाइनल एनेस्थेशिया का इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थेशिया एक प्रकार का लोकल एनेस्थेशिया होता है जो पेट के नीचे नंब कर देता है। पैर उठाने में तभी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट पे पिंच करके समझा जा सकता है कि एनेस्थेशिया का इफेक्ट हो रहा है या नहीं। सिजेरियन सेक्शन के लिए यूजुअली नीचे वाले हिस्से में, पेट के नीचे के हिस्से में इंसिजन दिया जाता है। सेंट्रल इंसिजन भी कभी कभी दिया जा सकता है जिसमें एक वर्टिकल इंसिजन की मदद से पूरा पेट टेयर किया जाता है। पेट को टेयर करने के बाद, मसल्स को सेपरेट करने के बाद यूट्रस को भी टेयर करके इंसिजन देके बच्चे को डिलीवर किया जा सकता है। फिर एक वन बाय वन हर एक लेयर्स को वापस से स्टिचअप किया जाता है और फिर पेट को पूरी तरह से स्टिच किया जाता है। सिजेरियन सेक्शन एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी के लिए लैप्रोस्कोप का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता, ये एक ओपन सर्जरी ही होती है। सिजेरियन सेक्शन करने से पहले आपके डॉक्टर कुछ समय तक आपको खाना ना खाने का सुझाव दे सकते हैं। वैसे ही आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन करने के बाद कुछ समय तक बैठने का सुझाव नहीं देंगे, अपने पेट पे ज्यादा प्रेशर ना देने का सुझाव देंगे। एक या दो दिनों के बाद आपको उठा के बैठा दिया जाएगा और फिर चलने का भी सुझाव दिया जाएगा। सिजेरियन सेक्शन के बाद मोशन पास हो रही है या नहीं, गैस पास हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में रहने का सुझाव देंगे। मोशंस और गैस पास होने के बाद आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। सिजेरियन सेक्शन के बाद सर्जिकल इंसिजन पे, यानी कि स्टिचेस पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्टिचेस अच्छी तरह से हील हो रहे हैं या नहीं, सूख रहे हैं या नहीं, स्टिचेस में कोई इन्फेक्शन है या नहीं, ये समझने के लिए आपके डॉक्टर आपको एक फॉलो अप के लिए जरूर बुलाएंगे। डिलीवरी के बाद कम से कम 3 महीने लगते हैं सारे ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह में पहुंचने के लिए, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन। वजन उठाना डिलीवरी के बाद अच्छा नहीं होता है। एटलीस्ट 3 महीने तक एक औरत को डिलीवरी के बाद वजन, हैवी वजन उठाना नहीं चाहिए। अगर आपके आसपास किसी को भी सिजेरियन सेक्शन करवाना हो या सिजेरियन सेक्शन का सुझाव दिया गया हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं।
ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।